फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मटन मंदी। वाओ, तो आज बनने वाला है मटन मंदी। देखो यार, ये बहुत ही उतना डिमांड वाली रेसिपी है। बहुत से कमेंट आया कि आंटी मटन मंदी की रेसिपी डालो। मुझे इंस्टाग्राम पे दिनों से आ रहे। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने बहुत मैसेज किया कि मटन मंदी की रेसिपी डालो। वैसे हमने चिकन मंदी की रेसिपी डाले है। ये अरबिक की बहुत ही अच्छी और फेमस डिश है। हाँ। मंदी और ये चिकन मटन दोनों में बनती है ना। असल देखा जाए तो ये अक्खे बकरे में बनती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। हाँ, तो आज अपन बनाने वाले अक्खा बकरा तो नहीं है, लेकिन आधा बकरा बोल सकते हैं। हाँ, देख रहे। तो आज किस में बनने वाला है? तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के मटन मंदी बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे। चलो, सबसे पहले लेंगे हम मटन, चावल, प्याज, टमाटे, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्ची, नींबू, तेजपत्ता, काजू, किशमिश, काली वाली किशमिश, बादाम। यहाँ हम खड़े गरम मसाले में लेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच शाह जीरा, 1/2 चम्मच लौंग, 1 चम्मच भर के काली मिरी, 1 जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 जायफल लेंगे, 2 दालचीनी लेंगे और यहाँ मैं 10 से 15 हरी इलायची ली हूँ और 1 फूल। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंदी का मसाला पीस लेंगे। ठीक है, तो मंदी के लिए कोई खोपरा खसखस तो नहीं पीसने वाले, हमारा मंदी का यही मसाला है, गरम मसाला। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये मसालों में से थोड़ी सी लौंग अलग से निकाली हूँ, थोड़ी सी काली मिरी निकाली हूँ और थोड़ी सी 2-3 इलायची निकाली हूँ और इतना सा शाह जीरा, ये खड़ा बघार के लिए निकाली हूँ। बाकी हम ये सब पीसने में लेंगे। ये 1 फूल ले लेंगे, इसको भी हम डाल देंगे इस तरीके से। इसको कोई हम भूनेंगे वगैरह कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये 1/2 जायफल ली हूँ ना, ये हम डाल देंगे पूरा। और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये भी डाल देंगे हम पीसने में। ठीक है, और ये 2 बड़ी इलायची और ये जावित्री, ये डाल दिए हमने। अब डालेंगे ये हरी इलायची। हरी इलायची ज़्यादा भी होगी थोड़ी तो कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। अब डालेंगे हम ये वाइट ज़ीरा। यहाँ 1 चम्मच भर के मैं धनिया ली हूँ, लेकिन मैं धनिए की थोड़ी सी बुक्की भी ऊपर से मिलाऊंगी क्योंकि हमारा 1.5 किलो मटन है। यहाँ पे ली हूँ मैं 1 चम्मच भर के शाह जीरा और यहाँ पे 1/2 चम्मच लौंग। ठीक है, और 1 चम्मच भर के हम लिए हैं काली मिरी। अब मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेरा पूरा गरम मसाला पीस ली हूँ अच्छे से। अब हम इसको डालेंगे इधर प्लेट पे। ठीक है, अब इसी के अंदर हम नमक भी डाल देंगे। ये नमक मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ, मैं चाहिए तो इसको बकरे को भी लगा सकती हूँ, लेकिन इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मिला के मुझे हाथों से उंगलियों की मदद से इसके अंदर लगाना है, इसके लिए मैं उसमें पहले मिला ले रही हूँ अच्छे से। तो मैंने नमक मिला दी हूँ मसाले के अंदर। अब हम ये जो लिए है ना मटन, इसके अंदर कट लगा लेंगे। ये पूरा 1.5 किलो का है एक टांग। ऐसे ही लटका था ना बेचारा। ऐसे ही लटका था, हमने जाके उसको ऐसे ही उठा के लेके आ गए, धोने में टाइम लग गया लेकिन हमको। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से चीरा लगा लेंगे। ये गलने के लिए चीरा लगाना जरूरी है। ठीक है, और एकदम ज्यादा भी कट नहीं लगा देना, नहीं तो कैसा इसको गलने के टाइम पे ये छिछड़े हो जाएंगे, आपको अक्खा पीस नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कट लगाने का भी एक लिमिट है। ठीक है, ज्यादा लगा देने से टुकड़े 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 हो जाएंगे, आपको 1 पीस में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं? ठीक है, रान रान का पीस है पूरा। तो इसमें मैंने अच्छे से कट लगा दी हूँ, जिधर जिधर लगाना है, ज्यादा नजदीक भी मत लगा देना, एकदम टुकड़े टुकड़े पीस हो जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। ठीक है, यहाँ 2 चम्मच भर के ली हूं मैंने। इसी के साथ साथ मैं इसमें ना नींबू भी डालूंगी। यहाँ मैंने बड़े साइज का 1 अक्खा नींबू ली हूँ। ठीक है, तो अदरक लहसुन और नींबू मैंने अच्छे से अल्टी पल्टी करके
लगा ली हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये जो मसाला पीस के रखे हैं ना, ये भी लगा देंगे। ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऐसा ऐसा, ये भी अच्छे से उंगलियों की मदद से लगाएंगे। अभी देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो आपको लगा के अभी 15 मिनट ये रख के पकाने के लिए खड़े हो जाऊंगी। अगर ये इस तरीके से ला के आप लगा के रात भर फ्रिज में रखेंगे ना, तो आपकी मंदी बहुत मजे की बनेगी, क्योंकि मैं तो वैसे ही बनाती हूँ। ये अभी आप लोगों के लिए लेके आके रखी हूँ, तो इसके लिए मैं इसको लगा के नहीं रख सकती ना, क्योंकि मुझे आपको बताना है। मैं मेरे घर में बनाती हूँ ना, तो मैं इसको रात को ही लगा के फ्रिज में छोड़ देती हूँ। तो मसाला मैंने अच्छे से भर भर के लगा दी हूँ, इसको अभी मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सारा मसाला उठा लेना थाले में से, अच्छे से रगड़ के लगा देना इसको, मसल मसल के, ठीक है। मैंने तो हर जगह बूटी बूटी में घुसा के लगा दी हूँ। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलो 15 से 20 मिनट हो गया मसाला लगा के रख के, अभी प्याज लाल हुए तक वो आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिए है और इसमें डाल देंगे हम तेल। यहाँ मैं 150 ग्राम तेल ली हूँ, ठीक है, 150 ग्राम तेल, 1/4 किलो चावल, 1.5 किलो मटन। मटन क्यों 1.5 किलो, क्योंकि मंदी में मटन डबल रहता है चावल से, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा शाहजीरा, ये 3 इलायची, लौंग, काली मिरी, ये सब हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि अभी अच्छा खासा मसाला हमने पीस लिए है गरम मसाला, ठीक है, तो ओवर लिमिट गरम मसाला हो जाएगा। आहा तड़क रहा है रिया, थोड़ा पीछे हो जा बच्चा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/4 किलो प्याज। प्याज हमको अच्छी खासी लेनी है, यानी कि 250 ग्राम। हाँ, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी होएगा प्याज तो भी चलेगा, इससे कम मत करना, ठीक है। इसको हमको पूरा मरून कलर, ब्राउन कलर नहीं बनाना है, हम कच्चा पक्का प्याज में ही हमारा मटन छोड़ेंगे। हम इसको अभी पहले 10 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट तक मैंने अच्छे से प्याज को पका ली हूँ, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन। मैंने वहाँ पे मटन में भी अदरक लहसुन लगाई थी, उसके बाद भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं चावलों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना 1 चम्मच है ना हरी मिर्ची ले रही हूँ। मंदी में हरी मिर्ची नहीं जाती है, अरबी मंदी में तो बिल्कुल नहीं जाती है, लेकिन क्या करेंगे ना, अभी इंडिया का है तो थोड़ा तो टेस्ट हम लोगों को चाहिए ना, हम लोगों से एकदम फीका नहीं खाया जाएगा, इसके लिए 1 चम्मच ये मैं मेरी तरफ से ऐड करी हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ठीक है, और लोग हमारे लिए। हाँ हमारे लिए, क्योंकि बिना मिर्ची के फिर मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आएगा। अब मेरे घर में क्या, इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको हरी मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि बिना हरी मिर्ची के तो खाएंगे ही नहीं इंडिया में, नहीं जो भी तीखा खाता है उसको। हाँ नहीं, बाहर वाले लोग तो बिना इसके मिर्ची के खा लेते हैं ना, उन लोगों को गर्म मसाले का तीखापन बस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इंडिया में सबको ये चाहिए ही। तो ये अब मैंने डाल दी हूँ, अभी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की खुशबू आना चालू हो गई है। अब क्या करेंगे हम, ये जो बकरे मियाँ है ना इसको उठाएंगे। अब हम ये कैसा डालेंगे इसमें, बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे पहले, अरे आराम से टांग टूटेंगे। ये देखो इसको मोड़े और इसको इसमें बिठाए और कोशिश करेंगे इसको भी नीचे बिठाने की, कि भाई तू भी बैठ जा, वाह जल्दी से बैठ जा। और इसको धीमी आंच करेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे ढक के, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए तो ये अपनी जगह बना ले, ठीक है। तो 10 मिनट हो गया, इसको बकरे को जबरदस्ती टोप में घुसा के ढक्कन लगाया गया है। देखते हैं जगह बनी क्या नहीं। हाँ इसने अपनी जगह अपने आप बना लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये बाहर आ जा रही बार बार इसकी टांग। अब हम डालेंगे इसमें ये जो मैंने 4 टमाटे ली हूँ, इसको अच्छे से ग्रेट करके ली हूँ, इसको मैंने पीसी नहीं हूँ, बस इसके छिलटे मुँह में नहीं आना बोल के इसको बारीक ये करी हूँ। अब हमको इसमें पानी डालना पड़ेगा, इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर लेते फिर इसमें हम पानी डाल देते, ताकि हमारा मटन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। कितना पानी है ये बता रही हूँ मैं, पानी मैंने 3 गिलास चावल ली हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 गिलास पानी इसमें डाल दी हूँ, ठीक है ना। बासमती चावल मैंने भिगा के रखी हूँ,
तो उसका दुगना पानी तो लगने वाला है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैंने 5 गिलास ली हूँ। अब ये पकने में भी मटन भी अपना पानी छोड़ेगा ढेर सारा, तो इसको पहले गल जाने देते। इसको पूरा गलने के लिए आधा घंटा तो बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये बड़ी बोटी ली हूँ, ये क्योंकि अभी हमको चैनल पे बनाना रहता है, दिखाना रहता है, सजाना रहता है ना। इसके लिए अगर आप छोटी बोटी करा के लाएंगे इतनी इतनी तो भी चलेगा, ठीक है। छोटी बोटी में भी आपका मंदी अच्छी से बन जाएगी। अब हम इसको ढक के आराम से आधा घंटा गलने देते मटन को, है ना। मटन सॉफ्ट होएगा तो ही मंदी में मजा आएगा। तो चलो मटन हमारा अच्छे से गल गया है। हमको कभी अल्टी पल्टी आड़ा टेढ़ा करके हमने गला लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गोश्त एक नंबर गल गया है जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। कितना टाइम लगा हमें? हाँ पूरा 1.25 घंटा लग गया। अब इसको हम निकाल लेंगे इधर आराम से, टुकड़े नहीं होना देना। अब हम यहाँ ज़रा गैस करेंगे बंद, और जो ये पानी है ना इसको हम आराम से छान के ले लेंगे, क्योंकि हमको इसी में भी चावल पकाना है। तो यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से छान ली हूँ, मसाले का पूरा दबा दबा के निकाल ली हूँ। हमको पूरे गरम मसाले का, टमाटे का, प्याज का, हर चीज़ का फ्लेवर इसमें पानी में आ गया है। तो चाय हमारी तैयार हो गई। ये पूरा मसाले का फ्लेवर है, ठीक है। अब हम इसको रख देंगे साइड में, और ये पानी हम फिर से इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी में हमारा चावल पकेगा। ये पानी में चावल पकाएंगे? हाँ यही पानी में हम अभी चावल पकाएंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा फिर से बॉयल हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें चावल। ये 3 गिलास चावल है बासमती राइस, ठीक है। और इसको मैंने 1 घंटे से भिगा के रखी थी, जब से हमने मटन चढ़ाए थे ना गलने के लिए, जब से ये भीग रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें आप ऊपर से गरम मसाला और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर किसी को फूड कलर ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, किसी को इसमें हल्दी ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पानी में अच्छा खासा फ्लेवर है। और इस टाइम पे आके आप लोग नमक वगैरह चेक कर लेना। तो अभी हमने वहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, चावल पक रहे हैं। जब तक हम क्या करेंगे, ये जो मटन के ऊपर ज़ाफ़रान वगैरह का कलर लगाते हैं, अगर ज़ाफ़रान जिसके पास नहीं है वो इस तरीके से येलो फूड कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी में थोड़ा सा डाल दी हूँ, अगर आप दूध में लेना चाहें तो दूध में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मटन है ना इसका थोड़ा सा कलर निखर के आ जाएगा, बस इस तरीके से लगा लेंगे ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पीला वाला फूड कलर लगा दी हूँ मेरे मटन को। अब यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट पहले फ्राई करके निकाल लेंगे, है ना। इसके बाद यही तवे पे हम मटन रख के थोड़ा देर सेक लेंगे। तो यहाँ पर बादाम और काजू मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, इसको मैं निकाल लूँगी। अब क्या करेंगे हम, ये जो किशमिश लिए है ना इसको भी फ्राई कर लेंगे। मंदी में किशमिश बड़ी अच्छी लगती है, किशमिश बिना मंदी अधूरी। तो यहाँ पर मेरी किशमिश भी अच्छे से फूल गई है फटाफट, किशमिश अंगूर बन गए। हाँ इसको फटाफट निकाल लेने का, नहीं तो ये जलने में भी टाइम नहीं लगाती। अब क्या करेंगे हम, तवे पे हम ये मटन डाल देंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो आप उसमें कर लेना। इसमें से हमारा घी का भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा मटन में, है ना, और फ्राई भी हो जाएगी। तो अब हम इसको आराम से पलटी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मिनट एक तरफ, 4 मिनट दूसरी तरफ इस तरीके से मैंने घी में अच्छे से इसको सेक ली हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ गैस बंद करेंगे, और यहाँ पे हम चावल की तरफ भी आ जाएंगे। चावल भी हमारा पक चुका है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा देर और दम पे रखेंगे, है ना। थोड़ा कच्चा है चावल, इसको अभी 1-4 से 5 मिनट धीमी आँच पे दम पे रखेंगे, ठीक है।
तो चलो 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम पे रखी थी। हाँ माशाल्लाह, देख रहे हैं आप लोग। इस तरीके के चावल अगर आपको चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करना मालूम, अगर आपके चावल में पानी खत्म हो गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि चावल कड़क है या कच्चा है, तो नीचे पानी डालते जाना मत। नीचे जल्दी से ये एक ऐसा तवा या एक फ्राई पैन इस तरीके का रख देना और इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देना। आपको फिर और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से खुले खुले चावल पकेंगे। अगर आप पानी डालते जाएंगे तो वो नरम हो जाएंगे। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इस तरीके से ही मंडी सर्व होती है। सादा चावल बना लेते मगर ये सादे चावल में भी पूरा हमारा गोश्त का अर्क है, गोश्त का पूरा मसाला है। तो यहाँ पर मैंने मेरा चावल निकाल ली हूँ अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पे रख देंगे हमारा ये गोश्त माशाल्लाह, ये इस तरीके से है ना, ये मस्त गल गला है अच्छे से एकदम। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये प्याज। अब हम डालेंगे ये अंडा। जादू कर रहे हैं? हाँ, क्या बहुत से लोग है ना गोश्त नहीं खाते, तो उसके लिए क्या करने का, ऐसे अंडे बॉईल कर लेने का और अंडे डाल देने का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो मटन अंडा रेसिपी होगी। हाँ, अब डालने का हमारे ये जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है ना, इसमें रहते ही है। बिना ड्राई फ्रूट के मंदी बिल्कुल नहीं बनती है। वहाँ पे तो ये जैतून के तेल में बनाया जाता है, पूरे ड्राई फ्रूट में तैयार होता है, इसीलिए तो उन लोग मसाले वगैरह नहीं डालते, क्योंकि उनके मसाले यही होते हैं सब खाने में, ठीक है, है ना रियाज, मजा आ गया। एक नंबर दिख रहा है। हाँ, तो ये मेरी रेडी हो गई है मटन मंदी। तो दोस्तों तैयार हो गया मटन मंडी, मंदी सॉरी आई ना जोर से आवाज आज, मटन मंदी। कैसी आवाज निकली देखो, ये देखो कितना किलो में, 5 किलो नहीं रे, माशाल्लाह क्या बना है भाई, जबरदस्त बने। इसको ऐसे सब खाने का बड़ा शौक है। अब्बा हमारे कभी गए थे सऊदी अरबिया ना, दुबई का गए थे सऊदी, मुझे याद इसीलिए नहीं क्योंकि वो टाइम पे मैं 7वीं में था, यानी कि 7th स्टैंडर्ड में, तो बहुत पुरानी बात है मेरे लिए। तब अब्बा बोला करते थे कि वहाँ पे पता है मुमताज ऐसा खाना रहता है, वैसा रहता है, अक्खा बकरा रहता है फिर। तो ये आज ये देख के मेरे को ना वो थोड़ा मतलब ऐसा ना याद आ जाता, फील ऐसा रहता रहेगा कि हाँ भाई, लेकिन वहाँ तो एकदम इससे 10 गुना बड़ा रहता रहेगा। लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार कि हम भी घर में बैठे बैठे वहाँ के थोड़े बहुत मजे ले सकते। देखो वो लोग है ना ऐसा डेग में पूरा वो करते हैं, देखो यार देखो गिरेगा पूरा गले ले यार, मैं पकड़ा नीचे थाला ले लिया माशाल्लाह। 1.5 किलो का क्या भी रान का पीस। हाँ, पूरा रान का पीस एक नंबर। देखो मैं खाना दे दूँ। तो ये है मटन मंदी। अभी देखो आप लोग की इतना बड़ा रान बनाओगे या नहीं बनाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप लोग मटन मंदी बनाते हो घर के लिए तो फिर आप बोटिया करके ही बनाओगे है ना। हाँ। लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा कुछ पुराने बचपन की यादें ताजा करना हो कि एक ही थाले में सब बैठ के खाए या फिर गेट टुगेदर हो, थोड़ा प्यार बांटना हो, तो फिर ऐसा जरूर बनाना कि भाई एक ही बोटी रखेगी इतनी बड़ी, जिसको चाहिए वो नोचके खाओ, एकदम उसका भी मजा अलग रहता है। अभी तो ऐसी नोचके खाओ, मैं तो ये देखो यहाँ पे मम्मी ने मुझे दिए है चावल। हाँ। जिसको अगर ऐसा मटन का भी नहीं भी बनाना है तो वो चिकन का बना सकता है, यानी कि चिकन मंदी जो कि हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दी है। अभी जरा देख वो चटनी ले ले। और हाँ ये मंदी के साथ ये स्पेशल चटनी आती है लाल वाली, कौन सी क्या बोलते हैं इसको। हाँ, ये मंदी की चटनी होती है स्पेशल। हाँ। टमाटे से बनी हुई होती है, टमाटे की चटनी, लहसुन, कोथमीर, मस्त गल गला एकदम, मोटी गल दिखा दो, नहीं गिरेगा बड़ी बोटी थी बोल के ना गलाने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कुकर में नहीं डाल पाई,
क्योंकि मुझे टोप में गलाना पड़ा था पीस बड़ा है करके। कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है बराबर। आपको की अच्छी रेसिपी देखने मिली तो ये 10 मिनट या 15 मिनट का या फिर बहुत से 20 मिनट का वीडियो देखे रहेंगे, सोचिएगा फटफट बन गया, नहीं यार बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आज कितना टाइम लगा है, मुझे कैसा बनाना पड़ा और कैसा गलाना और पड़ा। और मंदी में देखो काजू बादाम तो रहते हैं लेकिन वो जो किशमिश मुंह में आती है ना उसका मजा अलग रहता है। चिकन मंदी में हम लोग खाए इतना मजा गया। अभी आइए मटन मंदी ट्राई करते हैं, उसका भी मजा उतना ही होता है। चटनी लिया ये लो, मैं पहले तुम खाओ ना, मैं चटनी में नहीं खाऊंगा, तीखी रहती है बाबा। अच्छा पहले ऐसी खा के देखो फिर चटनी है कि नहीं, पहला फ्लेवर लेने का कैसा बना। अब थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी चटनी हल्के से दो, रुको। आप खा गया अपना मटन, देखो मैंने तो तोड़ा है लेकिन ना असली मजा ऐसा खाने में। ओहो एक नंबर। अभी देखो भटियाले लोग कैसे करते हैं, हाँ डेग में चढ़ा देते हैं, जिसके बाद ओवन है, ओवन में डाल देते हैं, एक घंटा छोड़ देते हैं, वो एकदम मुलायम हो जाता। अभी अपने को टोप में गलाना है तो आप छोटे पीस लेके आ सकते हैं। आज मैं एकदम शैतान लोग को ऐसा खा रहा हूँ। अब आओ चावल चावल काजू बादाम किशमिश और उसके साथ साथ ये अंडा एक एक निवाले पे। सच्ची बोलो तो भूख भी उतनी लगी थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था रेसिपी बनाने में, आज लंबी हो गई। मत बनना है ना, मत बन रहे। और मैं सोचा था ये थोड़ा ना थोड़ा तो कच्चा पक्का रहेगा लेकिन नहीं, ये पूरा ही पका है क्योंकि हमने इसको पूरा टाइम दिए थे पकने के लिए। इसको मैं कम से कम एक घंटा पूरा बॉईल करी हूँ, एक घंटा। और ये जो चावल में फ्लेवर आ रहा ना ये अलग है, ये ना ही अपने पुलाव में आता है ना ही बिरयानी में, ये पूरा मटन का बोलते ना वो सूप, सूप बोलते ना ये मटन के सूप में ये चावल पकता है तो इसका फ्लेवर अलग ही आता है। और मटन के सूप के साथ साथ कैसे इसमें कांदा, गरम मसाला, मंदी के लिए हमने जो गरम मसाले पीसे थे, टमाटे ऐड करे थे, प्याज ऐड करे थे, कोथमीर, उसका भी सब सूप एकदम मस्त चावल के अंदर आ जाता है। अगर मैंने तो देखो इसमें कोई कलर वगैरह यूज नहीं करी चावल में, अगर आप चाहे तो आपके हिसाब से येलो कलर डाल सकते हैं, कोई हल्दी भी डालता है हल्का सा, लेकिन मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है मंदी। खाली बस जाफरान रहता तो मैं मटन में थोड़ा सा रगड़ लेती थी तो और अच्छा लगता। हाँ वो हमने जाफरान सोचे थे लेकिन नहीं था घर पे, तो हमने बोले आपको थोड़ा कलर डाल देते। सही बात है, मटन ना पकने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो बहुत लोग को नहीं पसंद, इसके लिए मैंने थोड़ा येलो येलो कलर डाल के उसको येलो कर दिया ऐसा। और बस है उसकी खूबसूरती से वो ज्यादा अच्छी दिख रही है, मस्त बना। थैंक यू। और है ना इसके अंदर ना मैंने वो भी नहीं डाली, सूखा हुआ नींबू आता है ब्लैक कलर का, मंडी में वो जाता है लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं तो ढूंढ के भी आई, दुकान पे भी ढूंढ ली, नहीं बोलते यहाँ नहीं रहता या नहीं मिलता तो मुझे बोलते तो मैं लेके जाना पड़ता था क्या। सनीचर को रोड पे मिलता है वो वाला नींबू नहीं तुम तो बोले सूखा नींबू, वो ब्लैक नींबू अलग आता है, वो ये मंडी में जाता है पड़ता है। तो मैंने फिर अखा वाला एक नींबू अपने मटन में लगा के गला ली, मैं बोली चलो इसी से काम चलाएंगे, है क्या नहीं, जो है उसी से काम चलाना चाहिए तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो नहीं था मैंने वो भी सब डाले, इसमें मजा आ गया। और यार गोश्त देखो यार, मुझे तो सेवर तो गोश्त को देख के मजा आ गया, आज खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना उसकी। पकते पकते तो यार आप लोग भी ये रेसिपी जरूर बनाना, हमने बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाना था। हाँ मैंने इतना बड़ा पीस ला के बनाया जरूरी नहीं है, आप लोग मटन लेके आइए, मैंने जिस तरह पकाई उस तरीके से पकाइए, और जिस तरह से मैंने मटन बाहर निकाल दी आप अपनी बोटियां बाहर निकाल लीजिए, है ना। हाँ चावल पे फिर सजा दीजिए। हाँ इसका तरीका ही ऐसा होता है, यानी कि राइस के ऊपर ही रहता है वो, ऐसा ही बनता है। हाँ पे इसी तरह से आप जो जो भी कमेंट कर रहा था मटन मंदी बनाओ शेयर नहीं किए ना तो दोबारा कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं तो यार ये इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत अच्छी बनी है सही में, सीरियसली बना के देखना प्लीज, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना। और जो जो भी रेसिपी है ट्राई करेगा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोटो भेजना, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, ठीक है। और कुछ मैं बस कुछ नहीं, अभी भाई वीडियो को लाइक करो, अभी बोलना पड़ेगा कि लाइक करो, वीडियो को तो लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। और जो मेरे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कमेंट करते रहो कि हम आने वाले वक्त में आपके कमेंट पढ़ के रेसिपी बनाते रहे, है ना। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय, अपना ख्याल रखना।